नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी 7 अप्रैल को करेगी अनशन, गोपाल राय ने दी जानकारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत, वायनाड से राहुल गांधी ने दाखिल किया पर्चा। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने किया नामांकन, समर्थन में पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर, लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे प्रचार, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पर ईडी का शिकंजा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से चल रही पूछताछ। अब खबरें विस्तार से। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें जारी रहेंगी, इसका फैसला करने को दिल्ली हाईकोर्ट में आज लंबी बहस हुई। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक दिन पहले ही इस केस में आपके राज्यसभा सांसद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लड़ाई छेड़ दी है। पार्टी ने 7 अप्रैल को जंतर मंतर में अनशन करने का फैसला लिया है, इसकी जानकारी आज गोपाल राय ने दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। योजना को लेकर कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि आज हम पूरे भारत में अपनी गारंटी लॉन्च कर रहे हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर गारंटी कार्ड प्रदान करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में इसका उद्घाटन कर रहे हैं और वायनाड से राहुल गांधी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वायनाड से दाखिल किया पर्चा। इससे पहले वायनाड में एक रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मानव पशु संघर्ष का मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, मैं इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूँ। सीएम को पत्र लिखा है, लेकिन दुर्भाग्य से वे आगे नहीं बढ़े हैं। राहुल ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार है और जब केरल में हमारी सरकार बनेगी तो हम दोनों ऐसा करेंगे, हम इन मुद्दों को हल करेंगे। बात करते हैं बिहार की। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीमा भारती के नामांकन के बाद आयोजित सभा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। मतलब साफ है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव से जो गुहार लगाई थी उसका कोई असर नहीं हुआ। पप्पू ने 4 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन का ऐलान किया है। बीमा भारती के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होकर तेजस्वी ने जाहिर कर दिया कि पप्पू यादव की अपील या धमकी का आरजेडी पर कोई असर नहीं हो रहा है। आज चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी के 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। संगठन सचिव रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय उपमहासचिव सतीश कुमार, मुख्य विस्तारक अजय कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए इन नेताओं ने चिराग पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को कैंसर हो गया है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी इलाज की वजह से लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे। वो बुधवार को पटना पहुंचे हैं। काफी समय से सुशील मोदी को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन मीडिया के लिए राजनीतिक घटनाक्रमों पर वो नियमित रूप से बयान जारी करते रहते हैं। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कैंसर के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ कर नहीं पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। साथ ही तेजस्वी ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तंज कसा। आज पूर्णिया में एक रैली के दौरान तेजस्वी ने कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल की तरह है जो चुनाव के बाद एक्सपायर हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बिना सवालिया लहजे में पूछा कि हमारे चाचा की गारंटी ले तो हम मान जाएं। तेजस्वी ने सवाल किया कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या मिला है। 40 में से 39 सांसद बिहार के लोगों ने दिया, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा के मुखिया पशुपति पारस ने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपने भतीजे चिराग पासवान का समर्थन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत ही उनका मकसद है। ऐसे में हाजीपुर सीट से भले ही चिराग पासवान या एनडीए के किसी भी दल का नेता लड़े, पारस का उन्हें समर्थन रहेगा। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से दुश्मनी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई अलग है, लेकिन चुनाव में एकजुट होकर जीतना जरूरी है।
खबर झारखंड से। झारखंड में लोकसभा चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने की पहल जारी है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने दो जिलों से 36,56,900 रुपए जब्त किए हैं। 30,91,900 रुपए गिरिडीह जिले में बरामद हुए, जबकि 5,65,000 रुपए लातेहार जिला में बरामद हुआ है। रंगदारी, अवैध खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। ईडी पूछताछ के बीच ही बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर में पिता योगेंद्र साव का खाना और दवा लेकर पहुंची। इस दरमियान अंबा प्रसाद ने कहा कि ईडी को जांच में पूर्ण सहयोग कर रही है, लेकिन बेवजह परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के करीबियों के 20 ठिकानों पर ईडी द्वारा 12 मार्च को छापेमारी की गई थी, जिसके बाद लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। वहीं अब अंबा प्रसाद से कल 4 अप्रैल को ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। हालांकि कल के बजाय अंबा प्रसाद आज ही ईडी दफ्तर पहुंच गई अपने पिता का खाना और दवा लेकर। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। बात मौसम के मिजाज की। बिहार में आने वाले दिनों में गर्मी का सितम बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने पटना समेत अन्य जिलों में गुरुवार से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। दिन का पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ सकता है। इस दौरान कुछ जगहों पर लू के थपेड़े भी सहने पड़ सकते हैं। बीते 24 घंटे के भीतर उत्तर पश्चिमी हवा के चलते पटना समेत प्रदेश भर के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।